रहती है वहाँ पे पुलिस की तैनाती हो, ताकि जो वहाँ पे इस तरह के लड़के जो छेड़छाड़ करते हैं, और एक हॉस्टल है वहाँ पे जिस हॉस्टल में वो रहती है, उस हॉस्टल के सामने एक बॉयज हॉस्टल है, जिससे कि लगातार ही जब ये लड़कियाँ आती जाती हैं तो कमेंट करते हैं लड़के, उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। तो इसको लेकर भी उन लोगों का कहना था, उन लोगों ने जब कंप्लेन की तो उल्टे उन लोगों पर ये कहा जाता है कि तुम लोग जाते हॉस्टल में टाइम पे आ जाओ, टाइम से ज्यादा बाहर रहोगी तो कुछ भी हो सकता है, तुम यहाँ खड़े रहोगी तो तुम्हारे साथ रेप हो जाएगा। तो इस तरह की जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसकी जड़ मतलब कल जो घटना हुई वो घटना इस पूरी जो कड़ी है, जो पूरे समाज में ये जो मानसिकता है, क्योंकि सिर्फ लोगों में तो है ही, और कुछ लोग इसको और बढ़ावा देते हैं, और जो प्रशासन जो पुलिस है जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को सुरक्षा दे, वो इस तरह के जो भी गलत होता है उसके उसमें प्रोटेक्शन दे, उनके अंदर भी ये मानसिकता है। जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाती हैं लड़कियां कि उनके साथ छेड़छाड़ होती है, तो पहले पुलिस वाले उनका मतलब जितना उनके साथ सड़क पे छेड़छाड़ नहीं होती उससे ज्यादा पुलिस स्टेशन में वो कमेंट करते हैं और कहते हैं कि तुम रात में क्या घूम रही थी, इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हो, अकेले क्यों सड़क पे निकलती हो। तो इस तरह की ये जो पूरी मानसिकता है, इन सारी चीजों की जड़ वहां पे, और ये चीजें जड़ से खत्म हो इसके लिए जो ताकतें, जो लोग, जो जनपक्ष लोग जब सड़कों पे उतरते हैं, जब लोगों के बीच बात लेकर जाते हैं, तो जो लोग नहीं चाहते कि ये चीजें खत्म हो, वो इनको बनाए रखने के लिए इन तरह के तमाम आवाजों को कुचलने का काम करते हैं, इस तरह के तमाम प्रदर्शनों को, इस तरह के तमाम आंदोलनों को लाठियां बरसाने, और जैसा कि कल हुआ भी बहुत ही बर्बर तरीके से, वहां कुछ छात्र भी उनके समर्थन में जो आए थे उनको दौड़ा दौड़ा के पिटा गया, हॉस्टल में वो लोग अंदर जा रहे थे तो अंदर तक घुस के मारा लड़कियों को, वहां दो दो हॉस्टल थे उनके अंदर तक घुस के मारा, कोई भी लेडी पुलिस वहां पे नहीं थी, ज्यादातर जो भी खबरें आ रही हैं सारे मेल पुलिस वाले थे, 12 बजे रात में सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के उनको पीटा जाता। तो ये इस तरह के जो भी आंदोलन, जो भी आवाज आज उठ रही है उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है, हर तरह के जो पत्रकार इनके पक्ष में लिखेंगे उनको थ्रेटन किया जाता है, फेसबुक आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, क्या ये लड़कियां तो ये है, ये सभी ये सारे लोग जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो मोदी के खिलाफ है, इसीलिए ये करना चाहते हैं। मोदी वहां पे कुछ करने भी गया था बनारस में ही, तो वहां पे एबीवीपी जो स्टूडेंट वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ वहां पे ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि ये लोग तो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये उन सरकारों के खिलाफ, तो इसीलिए ऐसे में ये जो लोग जो कि वहां पे लोगों के उसमें खड़े नहीं होते हैं, लाठीचार्ज करके और इस तरह से वहां पे कुचलने की कोशिश की गई है, ये अभी सोच रहे हैं कि इस तरह की हरकतें करके ये चीजें खत्म हो जाएंगी, मगर आज पूरे देश भर में उनके समर्थन में अलग अलग जगहों पे छात्र नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी आवाज को लेके जा रहे हैं, और बीएचयू का जो पूरा आंदोलन है उसके समर्थन में वहां भी जा रहे हैं अलग अलग लोग, वहां पे भी जाके उनके आंदोलन में वहां पे समर्थन कर रहे हैं, और ये वक्त वो वक्त है जब ये बताने की और ज्यादा जरूरत है कि इस तरह की ये जो भी फांसीवादी ताकतें जो हर जनपक्ष पर आवाज को कुचलने का काम कर रही है, जो पत्रकारों की हत्याएं कर रही हैं, जो लोगों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं उनकी हत्याएं कर रही हैं, उन सबको सड़कों पर भी सबक सिखाने का समय, जंतर मंतर पे या फिर इस तरह की जगहों पे ये जो प्रदर्शन हम करते हैं, इन प्रदर्शनों के अलावा आज समय ये है कि हम इन आवाजों को इलाकों में लेकर जाएं, लोगों के बीच लेकर जाएं, उनके बीच ऐसी एकजुटता कायम करें, क्योंकि इनका मुकाबला ये
ये जो आज एक प्रगतिशील तबका है जो कि लोगों से आज कहीं ना कहीं कट गया है एक हद तक, तो उसको फिर से लोगों के बीच जाना चाहिए और लोगों के बीच अपनी जनपक्षपरता से उन्हें कायल करना चाहिए और उनके साथ एक फौलादी एकजुटता बनाकर इन फांसीवादी ताकतों को सड़कों पर ही मजा कटाना चाहिए। और तभी ये सारे आंदोलन जो इस तरह के ये जो षड्यंत्र किए जाते हैं लोगों के आंदोलन को कुचलने के, उनको नाकाम किया जा सकता है। आज जो BHU के छात्र हैं या फिर और भी जो कैंपस के छात्र हैं पढ़ने लिखने वाले, उनको इन तमाम ये जो आंदोलन होते हैं उसमें लोगों का समर्थन हम नहीं ले पाते हैं, बल्कि ये जो मीडिया और ये जो व्हाट्सएप के थ्रू जो प्रचार करते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं, वो लोगों का समर्थन लेके चले जाते हैं। तो इसकी एक वजह ये भी है कि आज जो छात्र और जो प्रगतिशील तबके हैं वो लोगों के बीच उनकी मौजूदगी बहुत कम है, और इसी मौजूदगी को अपने काम को लोगों के बीच बढ़ाना पड़ेगा। और हम छात्रों को अपने पढ़ने लिखने से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो बातें सीख रहे हैं और ये जो पूरा चल रहा है ये माहौल, इसकी कलाई खोलते हुए इस सच्चाई को अपने कैंपसों से निकल के लोगों के बीच में लेके जाना पड़ेगा। तभी एक मजबूत आंदोलन जो हम कैंपस में भी खड़ा कर सकते हैं और लोगों के बीच ये जो छात्रों की एकजुटता और इलाकों में रहने वाले लोगों की मजदूरों की एकजुटता, जब ये कायम होगी तभी ये सारे आंदोलन एक मुकाम तक पहुंच पाएंगे और तभी हम इन तमाम ये जो फासिस्ट है, ये जो लोगों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको मुकम्मल जवाब दे सकते हैं, इनको इनकी सही जगह पे ये जो इतिहास की कचरा पेटी है वहां पहुंचा सकते हैं। और तभी ये जो आंदोलन आज छिड़ा है और जिसपे ये दमन हुआ है, इसका हम लोग बदला ले सकते हैं और इन तमाम चीजों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं।